यार विंटर सीजन मतलब आप बहुत कूल तरीके से लेयरिंग कर सकते हो, और लेयरिंग में एक बहुत कूल चीज आती है जिसको कहते हैं फ्लैनल। अब देखो फ्लैनल वैसे तो एक कपड़े का टाइप है, लेकिन इन जनरल फ्लैनल का मतलब लोग समझते हैं कि वो बड़े चेक्स वाली शर्ट, तो हम भी उसी को मान के चलते हैं यार फ्लैनल। लेकिन यार फ्लैनल भी ना अलग अलग टाइप की आती है। मैं आपको ये सब तो समझाता ही रहता हूँ कि आपको चीजों को मैच कैसे करना है अपने कपड़ों के साथ, लेकिन मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूँ कि किस टाइप की फ्लैनल आपके लिए सही है, कैसी फिटिंग होनी चाहिए, और आप जहां रहते हो उस हिसाब से आपको कितनी मोटी फ्लैनल लेनी चाहिए, ये सब आंसर करूंगा। और आज की फ्लैनल्स मैंने अपने वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स से मंगवाई है, H&M। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा, एंड आज का वीडियो होने वाला है H&M का फ्लैनल्स हॉल। एंड अगर आपको अच्छे से समझना है कि आपको सारी फ्लैनल्स में से कौन सी एक तो लेनी ही लेनी चाहिए H&M से, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और समझ लेना कि सबकी फिटिंग कैसे होती है। एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अब यार H&M पे ना फ्लैनल्स इस बार चार अलग तरीके की है। देखो इन सब में ना कलर्स अलग अलग होंगे, तो कलर तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। वैसे ग्रीन इस बार बहुत ट्रेंड करने वाला है, तो ग्रीन की कोई शेड ढूंढ लेना। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो जो चार अलग तरीके की इस बार फ्लैनल्स आई हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और आपको आपके हिसाब से मतलब जहां पर रहते हो उसके हिसाब से, जॉब करते हो उसके हिसाब से, उस हिसाब से आपको कौन सी लेनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपको कूल दिखना है और स्ट्रीट स्टाइल स्पेशली करना है, तो डेफिनेटली H&M की ये जैकेट या मतलब चलो फ्लैनल बेस्ट चीज रहेगी आपके खरीदने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि H&M की चीज खरीदना सबसे ज्यादा आसान भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जहां आप रहते हो वहां पे 100% H&M की डिलीवरी हो जाएगी। नीचे मैं लिंक्स तो दे दूंगा सारे डिस्क्रिप्शन में, आप वो लिंक्स क्लिक करके खरीद भी सकते हो। बाकी ब्रांड्स में अच्छे स्टाइल को ढूंढना और आपके पास डिलीवरी होगी नहीं होगी उसकी टेंशन, ये सब वो सब काफी ज्यादा होता है। ये ब्रांड ऐसा है कि बहुत आसानी से आपके यहाँ पे डिलीवर हो ही जाएगा। तो जो मैं आपको फ्लैनल्स दिखाने वाला हूँ ना, उनमें मेन फर्क ये होने वाला है कि वो कितनी मोटी है और क्या वो एक जैकेट के फॉर्म में है या फिर सिर्फ शर्ट के फॉर्म में। तो जैसे कि हम सबसे सस्ती वाली से शुरू करेंगे, तो पहली वाली एक ओवर शर्ट है। ओवर शर्ट का मतलब है जिसको आप एक मतलब बेसिकली एक शर्ट जो कि आप बस ऊपर की तरफ डाल लेते हो बिना बटन बंद करे। इसको आप टी शर्ट पे भी डाल सकते हो, हुडी पे भी डाल सकते हो। और इसकी जो फिटिंग है वो सबसे मेन चीज है यहाँ नोट करने के लिए, ये एक रिलैक्स्ड फिटेड शर्ट है। इसका मटेरियल काफी ज्यादा शानदार है, और इसकी जो बिल्ड है ना वो है तो वैसे रिलैक्स्ड फिट, लेकिन इसका कपड़ा उतना ज्यादा मोटा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको जैकेट की तरह यूज करोगे। आप इसके ऊपर भी एक जैकेट डाल पाओगे जब सर्दी ज्यादा हो जाए। तो क्योंकि इसका यूज केस इतना बड़ा है, मतलब कि आप इसके ऊपर एक जैकेट भी डाल सकते हो, तो इसको मिडल लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ ये भी पहन सकते हो किसी एक टी शर्ट के ऊपर, जैसे प्लेन टी शर्ट्स के ऊपर। और बेस्ट लेयरिंग के लिए प्लेन टी शर्ट्स आपको पता है अर्बन नीड्स ब्रांड की होती है, लेकिन क्योंकि इसका यूज केस इतना बड़ा है इसलिए ये सबके लिए सूटेबल है। तो चाहे आप रहते हो थोड़े से साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, बैंगलोर मान लो, वहां पे भी कभी कभी थोड़ा सा चिली हो जाता है, या फिर आप रहते हो कश्मीर में, ये सबके लिए। अब वैसे क्योंकि ये एक रिलैक्स्ड फिट की शर्ट है, तो इसमें आप ज्यादा कूल लगोगे और उतने आप समझ रहे प्रोफेशनल नहीं लग रहे होगे। तो ये शर्ट बेस्ट है अगर आप कॉलेज जा रहे हो, मतलब कॉलेज में डेली वगैरह पहनने के लिए, या फिर पार्टीज में भी पहन सकते हो बहुत अच्छी लगेगी। या वैसे अगर आप कॉलेज भी ग्रेजुएट कर चुके हो और आप 23-24 तक के भी हो, तो आप किसी भी पार्टी वगैरह में जा रहे हो या फिर दोस्तों से मिलने जा रहे हो, तब बहुत ज्यादा कूल लगेगी। और इसके मटेरियल की बेस्ट बात यह है कि जैसे आप समझ लो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं विंटर्स वाले जिनको देख के ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, ये वो वाले मटेरियल की नहीं है। इसके बटन्स भी बढ़िया, आगे की पॉकेट्स भी बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये पूरे वीडियो की ऐसी शर्ट है जो सबको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये वर्सेटाइल बहुत है। लेकिन ऑफकोर्स इवन दो नीचे मैं लिंक दे दूंगा इस एग्जैक्ट शर्ट का, लेकिन आप इसके लिंक पे जाके इसकी कोई और कलर भी लेना चाहो वो भी आप ले सकते हो। यहां मैं आपको कोई कलर रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं तो आपको बेसिकली इसकी फिट समझाना चाहता था और आपके जगह की जो सिचुएशन है उसे आपसे बताना चाहता था आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो सारी चीजें दिमाग में रखते हुए मैं इस फ्लैनल को रेटिंग देना चाहूंगा 8/10। यार अब जो नेक्स्ट वाली है वो आप मान के चलो इसी के जैसी है बट थोड़ी सी मोटी है। तो यार नेक्स्ट वाली का मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा वूल में आ जाता है, तो अगर आपके यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड होती है तो आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि मान लो आप जयपुर या उससे ऊपर की किसी सिटी में रहते हो, तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी इजी सा है, तो थोड़ा क्लासी ज्यादा लगता है। अब क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी मोटा है, और साथ में ये रिलैक्स्ड फिट की भी है, तो इसके ऊपर कुछ लेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप सिर्फ ऐसे स्कार्फ जैसी चीजें या फिर मे बी कोई बहुत बड़ा रिलैक्स्ड ओवर कोट लेयर कर पाओगे, उसके अलावा एक्चुअली आप मान के चलो नहीं कर पाओगे इसके ऊपर कुछ, ये आपकी लास्ट लेयर होगी। आप इसके अंदर हुडी वगैरह पहन पाओगे बट ये सबसे बाहर रहेगी। लेकिन वैसे भी इसकी लुक ही तभी बेस्ट आएगी जब ये सबसे बाहर हो, क्योंकि इसका मटेरियल ही बहुत बढ़िया है। इसके बटन भी काफी कूल है और इसकी पॉकेट भी सिर्फ एक साइड है, बहुत मोटी सी पॉकेट है, और रिलैक्स फिट है तो आप देख सकते हो शोल्डर से कैसे आ रही है। बाय द वे मैंने इस वीडियो में जितनी फ्लैनल्स मंगवाई है सारी लार्ज साइज में मंगवाई है, तो आप देख सकते हो मेरे ऊपर वो कैसी फिट आ रही है। मेरी हाइट 5'10" है ऑलमोस्ट, मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा है। मेरा वेट इस टाइम पे 79.5 चल रहा है,
थोड़ा सा बल्क्ड अप हूं मैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आप पे कैसी लगेगी। अब यार क्योंकि इसका जो मटेरियल है जो मतलब काफी मोटा है, बट वो उसमें ना वैसे निकले से फाइबर्स हैं, तो मतलब वो वर्स्टेड वूल वाली विंटर लुक आती है, तो उसी वजह से इसकी स्टाइलिंग भी ना आपको थोड़ी सी विंटेज स्ट्रीट तरीके से करोगे तो बेस्ट होगा। एंड बाय द वे आपको मैं ये बता दूं कि H&M पे मैक्सिमम चीजें स्ट्रीट स्टाइल वाली ही मिल रही होती है। जो नॉर्मल वाली मिल रही होती है ना, वो लेने का फायदा क्या है, क्योंकि वो तो आपको और ब्रांड से अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस पे मिल सकती है। स्ट्रीट स्टाइल होता है जो H&M पे बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि एक्सेसिबल भी बहुत ज्यादा होता है, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि इसकी शोल्डर्स इतनी ड्रॉप्ड हैं कि ये एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाली लुक ही देगी। लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी बेटर क्वालिटी की बनी है, तो पिछली वाली 2000 की थी एंड ये 3000 की है, तो सब चीजें दिमाग में रखते हुए मैं इसको भी एक्चुअली रेटिंग दूंगा 8/10। यार नेक्स्ट आइटम जो मैंने मंगवाया था वो है एक पैडेड ओवरशर्ट। पैडेड ओवरशर्ट का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई नॉर्मल ओवरशर्ट ही है, बस अंदर की तरफ से ये पैडेड है। पैडेड मतलब जैसे जैकेट्स होती है ना अंदर से मोटी एकदम जो भरी भरी, ये वैसी है। अब क्योंकि ये जैकेट की भरी भरी है और मोटी है, तो इसको आप सिर्फ एक जैकेट की तरह ही यूज कर पाओगे, और ये कोई पतली जैकेट की तरह नहीं है, काफी मोटी जैकेट की तरह है। तो मेरे हिसाब से सेंस बनेगा अगर आप हरियाणा के लेवल पे रहते हो, मतलब हमारे इंडिया के मैप पे, या उससे ऊपर रहते हो कश्मीर तक, तब आपका ये सेंस बनता है लेने का। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि ये है तो 3000 की पिछली वाले की तरह, लेकिन इसकी फिट एकदम रिलैक्स्ड नहीं है, और इसका पैटर्न भी एकदम क्लासी और सटल सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये स्ट्रीट स्टाइल में तो पहन ही पाओगे, क्योंकि काफी कूल है ये, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी क्लासी दिखती है, तो आप ये ऑफिस वगैरह जैसी जगहों पे भी पहन सकते हो, क्योंकि वैसे भी इसकी फिट रिलैक्स्ड नहीं है। आप देख सकते हो शोल्डर से उतनी ज्यादा नीचे तो नहीं गिरी हुई। बाकी इसके बटन्स और इसकी पॉकेट्स भी काफी क्लासी तरीके की है, एकदम लाउड भी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ परफेक्ट है अगर आप ऑफिस भी जाते हो तो। हाँ मतलब एकदम गवर्नमेंट ऑफिस टाइप हुआ तो वहां तो आप सिर्फ फॉर्मल्स पहन सकते हो, ये सब नहीं पहन सकते, बट अगर आप किसी कूल कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हो, स्पेशली उनके कैजुअल फ्राइडेज पे, या फिर किसी स्टार्टअप में काम करते हो, तो आराम से पहन सकते हो। अब इसकी स्टाइलिंग अगेन मैंने तो कार्गोज और टी शर्ट के साथ करी हुई है, प्लेन टी शर्ट जो कि अर्बन नीड्स की है, बट आप इसको कर सकते हो नॉर्मल, मतलब किसी ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ चलेगी एक्चुअली। इसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है, एंड क्योंकि ये इवन तो 3000 की है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में पहन सकते हो, जैसे कि ऑफिस या स्ट्रीट स्टाइल या दोस्तों के साथ या डेट पे, या हर जगह पहन सकते हो, इसलिए मैं इसको स्पेशल रेटिंग देना चाहूंगा 8.5 की। एंड यार नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, जो कि हर चीज का एकदम कॉम्बिनेशन है। ये पैडेड भी है जैकेट की तरह, और ये रिलैक्स फिट भी है एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाली। ये है एक रिलैक्स फिट पैडेड ओवर शर्ट, तो पिछली 3000 वाले की तरह ये पैडेड भी है जो बिल्कुल जैकेट की तरह आपको फिट आएगी, एंड प्लस ये रिलैक्स फिट भी है तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाली वाइब देगी आपको। अब इसकी बेस्ट बात यह है कि इसके कलर इतने ज्यादा डल और म्यूटेड है कि आपको ये छिछोरा स्ट्रीट स्टाइल वाली वाइब नहीं देगी, या आपको काफी क्लासी एकदम अर्बन स्ट्रीट वेयर वाली वाइब देगी। मतलब शॉर्ट में समझाऊं तो इसमें आप एकदम अमीर लगोगे, और क्योंकि देखने में अमीर लोगे तो इसका प्राइस थोड़ा अमीरों वाला है, 4000 की है। अब यहाँ पे ही मेरा थोड़ा सा ना कंफ्यूजन शुरू हो गया कि क्या ये 4000 के वर्थ है या नहीं है, मैं इस पे अपना दिमाग नहीं बना पा रहा। तो आपको जो लगता है कि क्या वर्थ है क्या नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। मेरे हिसाब से बहुत सुपर क्वालिटी है, लेकिन 4000 इस पे खर्च करना वर्सेस 4000 किसी और पे खर्च करना, आई डोंट नो। एक्चुअली मैं कहूंगा कि आप इस पे 4000 ना खर्चो और किसी और जैकेट पे खर्च कर दो, जैसे अभी मैं एक जैकेट्स का एक अलग से वीडियो निकालूंगा, उस पे खर्च कर देना, वो बेटर होगा। बट इससे पहले वाली तीनों जो 2000 और 3000 वाली हैं, वो बढ़िया है। बट एनीवे, इसकी लुक सबसे ज्यादा क्लासी है इन चारों में से, सबसे ज्यादा सुंदर मटेरियल इसका दिखता है, इसको देख के अमीरो वाला मटेरियल फील होता है। अंदर से जैकेट जैसी है तो पैडेड है, मतलब अंदर पैडेड लाइनिंग है, और इसकी फिट रिलैक्स फिट है, तो एकदम सुपर स्ट्रीट स्टाइल वाली वाइब है, और इन्हीं रीजन से इसको स्टाइल करना भी आसान है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी है, इसलिए मैं इसकी रेटिंग इसको सिर्फ 7 दे पाऊंगा। बाकी इसके बटन्स और पॉकेट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी स्लीव्स भी बहुत बढ़िया है बाकियों की तरह, लेकिन अब महंगी है ना तो क्या करूं मैं, मतलब मैं यहां इतना महंगा नहीं प्रमोट करना चाहता। 2-3 हज़ार सही है, वर्थ इट है, लेकिन 4000 वाले की जगह आप देख सकते हो कि नेक्स्ट वाला ट्रेंडी जैकेट्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें से कुछ खरीद। Anyway, यही थे सारे प्रोडक्ट्स। मेरे को नीचे बताना कि आप कौन से कलर की फ्लैनल्स लेना सबसे ज्यादा प्रेफर करते हो, एंड यही आपका गिवअवे क्वेश्चन है। तो इससे आ जाते हैं इस वीडियो के गिवअवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिवअवे करूंगा 2,000 रुपीस का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सारे इंस्ट्रक्शंस हमारी स्क्रीन पे है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।